नेपाल की वुमेन्स फुटबॉल टीम ने वैसे तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और इससे भी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने से अब सिर्फ एक कदम दूर बची है। इसके साथ साथ कई ऐसे एक्साइटेड मोमेंट कल के मैच के अंदर जो कि आपको पागल कर देने वाले हैं। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उस मैच का जिक्र करेंगे, उसके एक्सट्रीम पॉइंट या फिर की पॉइंट की भी जिक्र करेंगे जिसके अंदर मैच में कहीं ना कहीं तनातनी भी देखने को मिली, तो उसके बावजूद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेपाल ने क्रिएट हिस्ट्री इसलिए कर दी क्योंकि नेपाल के पास थे 10 खिलाड़ी तो इंडिया के पास थे 11 खिलाड़ी। उसके बावजूद क्या हुआ रिजल्ट वो देखने लायक था, इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जब मैच शुरू हुआ था तब दोनों मुकाबले टक्कर के थे, यानी कि इंडिया हो चाहे फिर वो यहाँ पे नेपाल हो, क्योंकि दोनों ही टीमों ने एक अच्छा रिदम पकड़ रखा था। दूसरी ओर अगर बात करी जाए दोस्तों तो 91वें मिनट पर नेपाल की स्टार खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मैचों के अंदर चाहे श्रीलंका के खिलाफ मैच हो और चाहे वो मालदीव्स के खिलाफ मैच हो, दोनों के अंदर ही यहाँ पे अच्छे गोल किए थे, 5 गोल किए थे मालदीव्स के खिलाफ। रेखा पोडेल जिनको यहाँ पर रेड कार्ड मिल जाता है और उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जैसे ही रेखा पोडेल को बाहर किया जाता है जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए, उन्होंने ग्राउंड के अंदर बोतलें जो पानी की होती हैं वो फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेपाल की ही खिलाड़ी ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए और शांति बनाए रखिए, तो उसके बाद यहाँ पे शांति से पेश आया और कुछ देर गेम रुकने के बाद दोबारा से चला। सावित्री भंडारी इस मैच के अंदर चमकी और नेपाल ने भारत को सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 से बाहर कर दिया। रविवार को काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में नेपाल ने प्लेंटी शूटआउट में भारत को 4-2 से हराकर सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत सेफ चैंपियनशिप 2024 से बाहर हो चुका है जब रविवार को दशरथ स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में प्लेंटी शूटआउट हुआ, तो उस समय यहाँ पे नेपाल से 2-4 से हार गई है। वहीं पर अगर बात करी जाए फाइनल में नेपाल का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है, क्योंकि कल जो मैच था भूटान और बांग्लादेश का उसके अंदर बांग्लादेश ने एक तगड़ी जीत यहाँ पे शुरुआत के साथ जीत लिया है। भूटान को 7-1 से हरा दिया है बांग्लादेश ने, तो यानी कि अब बांग्लादेश को अगर नेपाल हरा देता है तो वो कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट हो जाएगा। इससे पहले भी इस फाइनल के अंदर कई बार पहुंची है टीम, लेकिन फाइनल के अंदर जाकर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो प्रेशर ले लेती है, अब की बार ऐसी ऐसा करते हैं कि प्रेशर भी ना ले। वहीं पर राणा सांबा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है मेसी के साथ जोड़कर। मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने भारत को जो हराया है उसके अंदर राणा सांगा का बहुत बड़ा हाथ है, जो यहाँ पे राणा सांबा है वो एक अपना स्कर्ट खोल के अपनी टी शर्ट खोल के दिखाती हुई नज़र आती हैं, जैसा कि मेसी ने किया था वही फॉर्म, और इसी के कारण वो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, जो कि सेकंड मेसी या फिर नेपाल का मेसी नज़र आता है। तो दोस्तों रानी सांभा के बारे में और इसके साथ साथ सावित्री भंडारी के बारे में या फिर पेलेंटी शूट आउट के अंदर जीतने के बारे में बहुत से मुद्दे हैं। रेखा पोडेल को रेड कार्ड देने के बावजूद भी नेपाल ने ये हिस्ट्री क्रिएट करी है, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।